अगर आप भी अपने बालों के लिए ऑलमोस्ट सभी रेमेडीज ट्राई करके थक चुकी हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, या फिर आपकी कुछ बालों की क्वालिटी डिफरेंट टाइप की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें मैंने आपके साथ दो चीज़ें शेयर करी हैं। फर्स्ट जो है वो है एक टोनर सीरम, आप बोल सकते हैं बालों के लिए, और दूसरा जो है वो है ऑयल। और वो जो दोनों चीज़ें हैं वो किसी एक ही इंग्रेडिएंट से बनी है ना, कुछ अलग हटके स्पेशल चीज़। तो आप ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखें, मैंने आपको बताया है कि आपने उसको कैसे लगाना है और इस्तेमाल करना है। आपको लेना है राइस, राइस से ही हम अपना सीरम बनाएंगे और राइस से ही हम अपना ऑयल बनाएंगे। तो पहले आपने राइस लेना है एक कप छोटा, और उसको धोकर उसमें एक ग्लास पानी डालकर 5 मिनट के लिए सोक करें। उसके बाद सिम पर रखकर अच्छे से इन चावलों को जो है वो बॉईल करना है, ताकि जो इनका स्टार्च होता है जिसमें की प्रॉपर्टीज होती हैं आपके बालों को शाइनी और आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने की, वो हम सेपरेट कर लेंगे, और जो चावल रहते हैं उन्हें हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो फिलहाल ये जो है हमारा ये सीरम सेपरेटली तैयार हो गया है। मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गुडनेस इस पानी में ही है, ठीक है। और अब जो बचे हुए चावल है उनको मैं पीस लूंगी। पीसने के बाद इनका जो पेस्ट होगा वो हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल में। मैंने यहाँ पर लिया है कोकोनट ऑयल, लेकिन आप अपना फेवरेट कोई भी ऑयल ले सकती है, और अगर बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा विटामिन ई के कैप्सूल्स के साथ। अब इस ऑयल में जो कि मैंने लिया है 7 से 8 चम्मच, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच चावल पिसे हुए। अब इसको अच्छे से मैं फिर वापस सिम पर पकने के लिए रख दूंगी, एटलीस्ट इतना कि जो चावल की गुडनेस है वो ऑयल में आनी चाहिए। और ये जो राइस वाटर है, आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जैपनीज लोग जो है वो यूज़ करते हैं राइस को अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, ऑलमोस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ना कि सिर्फ आपकी स्किन को यूथफुल बनाते हैं बल्कि साथ ही साथ आपके बालों को भी सालों साल जवां रखते हैं। आपके बालों को नेचुरली ब्लैक करता है राइस, और उसके अलावा इसका जो रेगुलर यूज़ है ऑयल का वो आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रमोट करता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मैंने राइस से बनाई है। अब ये जो सीरम है, सीरम के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो सीरम है ना उसको आप ऑयलिंग करने से पहले भी कर सकते हो अप्लाई, और ऑयलिंग करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने 10 टू 15 मिनट वेट किया है, एंड अगेन फिर मैंने वापस से अपने बालों में ऑयलिंग की है इस राइस ऑयल से, जो कि बहुत ही गजब का है। आप इस प्रोसीजर को हफ्ते में 3 वॉश पर ट्राई करके देखो, यानी कि इस तरह से बालों में लगाओ और फिर अपने बालों को वॉश करो। रात में करोगी तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और दिन में नहाने से पहले करोगी तो कम से कम 2 घंटा बालों में जरूर रखें। सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।